दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम आपको देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पोस्टर बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली फ़ोटो लगाना है, नाम लिखना है और पोस्ट कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। बस आप खाली हमारे लिंक में जाइए, बैनर डाउनलोड करिए, फ़ोटो लगाइए, नाम लिखिए और पोस्ट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पोस्टर बनाने। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए चैनल जिसका नाम है दी रिवाज गुप्ता ऑफिशियल। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने पिकसार्ट पे चले जाना है। पिकसार्ट में जाने के बाद आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एडिट फोटो में जाना है। एडिट फोटो जाने के बाद आपको यहाँ पे देव दीपावली का एक पोस्टर उठा लेना है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने एक देव दीपावली का पोस्टर ले लिया है। अब सिंपल सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको एक कटा हुआ फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि मैंने एक कटा हुआ फ़ोटो यहाँ पे ले लिया है। सिंपली इसे क्रॉप करके हमें यहाँ पे परफेक्टली जो है कि लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों, हमको क्या करना है, इनका नाम लिख देना है। जैसे कि मैं इनका नाम लिख देता हूँ, अनूप यादव। मैंने इनका नाम जो है कि लिख दिया है, अनूप यादव। सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से बहुत सारे ए बी सी डी दिखाते रहे, और इसमें से कोई भी चीज़, जैसे कि ये वाला काफ़ी मोटा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वाइट कलर से इनका नाम लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्टर वो बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसमें कलर करना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको पहले वाले ऑप्शन टूल पे क्लिक करना है। फिर आपको क्रॉप के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर आप चाहे तो इसका ब्राइटनेस घटा सकते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा घटा लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं काफ़ी मस्त लग रहा है, सिंपल भी। इसको कुछ नहीं करना है, आपको टिक वाले निशान पर क्लिक करेंगे, फिर तीर वाले निशान पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे, फिर सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका ये फ़ोटो जो है सेव हो जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।